क्लास टेंथ के जितने भी विद्यार्थी हमारे 5 फरवरी के दिन पेपर देने हैं, जी हाँ, उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन के साथ में बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूँ। वास्तव में यदि 5 फरवरी के दिन टॉप करना है एक बार जरूर देख के जाइएगा। 75 में से 50 नंबर की जवाबदारी इसी पेपर से लेता हूँ, ठीक है। पूरा रियल नहीं है लेकिन हाँ, स्वाभाविक बात है कि 50 नंबर का फंसेगा 100%, ये बात पक्की है। और नंबर चाहिए तो अब आगे आप देखिएगा, नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक। वाच्य में कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। बाबूजी पाठ हमारे करते थे तो रामायण जी का पाठ करते थे। चलिए यहां से अपन बात करेंगे, प्रयोगवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, उत्साह जो हमारे वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए यहां से रिक्त स्थान की बात करेंगे ना, तो नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी, हो गया इतना। यदि जोड़ी को हम देखेंगे तो कई अंकों वाली रचना नाटक हो गई है। पंचवटी का आपको मिलान करना है खंड काव्य से। मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती, प्रत्येक का प्रतिधन एक, और आदमी जात का आदमी का प्रतीत होके देश में एकदम राइट रहेगा। अब है अगला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, 3 प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ दोनों में संबंध बताने को के संबंध को क्या कहते हैं, शब्द और अर्थ। के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, देखिए साथी बच्चों को खेलता देखकर, तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है, तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी, कौन सी है भैया, कहानी, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है क्या, बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या, 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया, अरे जूता मारने का मन था उनका तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है, बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, केप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या पान वाला, ये बात आपकी असत्य हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेखक ने देखा तो मन में ये कमी खटकी कि उनकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था। ये सवाद से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते करना है ना। बिस्मिल्ला खां को शहनाई का नायक क्यों कहा गया, देखिए शहनाई जो होती है ना मंगली का अवसारों पर बनाई बजाई जाती है, जैसे जो हमारे खुशी का समारोह है ना उन पर हमारी शहनाई बजाई जाती है, इसे मंगल ध्वनि, इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं। अर्थात तो वहां ध्वनि जो मंगलकारी हो, ठीक है भैया, मंगलकारी हो उसे अपन क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि कहते हैं। और यहां ध्वनि प्रातः काल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्ला खां जीवन भर सहनाई की साधना में लगे। अब अगला है आपका, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो देखिए प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था,
उस समय तन पर ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की जो भावना है उसने ही सुई धागे का आविष्कार किया होगा। धूप ठंड कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े के पत्ते हो या कपड़े से तन ढकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई होगी। ठीक है, यहाँ से आप बढ़िया से इसको देख लीजिए सॉल्यूशन को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत, ये भगत है ना, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद जो भगत है ना, वो 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। कितनी उम्र थी उनकी? 60 वर्ष, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे, उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके बाल किस हो गए थे? सफेद हो गए थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। ठीक है, उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। ये आपका, ठीक है, ये आपका बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत की विशेषता है कि वो 60 वर्ष के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल सफेद हो गए थे, उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था, गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, इनकी भाषा शैली बतानी है, रचनाएं बतानी, ये अपने एमपी बोर्ड में इतना ही आता है ना, कोई जीवन परिचय के अंतर्गत ज्यादा चीजें नहीं आती। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय ना, ये आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछता है ना कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या किया, ये एमपी बोर्ड में नहीं आता है। यहाँ से जब भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसको। रचनाएं देखिए, अतीतों के देश में माटी की मूर्तें, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भाषा शैली में अपन बात करें तो भाषा आ जाएगी। इनकी भाषा कैसी थी? व्यवहारिक थी। इनमें सजीव सरलता, ठीक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे, कहावते, ये मुहावरे कहावतों से भाषा की सुंदरता आ गई है। शैली आगे देखते हैं। शैली, इसकी शैली की जो विविध रूप है निम्न प्रकार के हैं। वर्णात्मक शैली है, सबसे पहली क्या है? वर्णात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु अथवा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ये किसी वस्तु अथवा है घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है, समय करते समय इस शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, भावात्मक शैली, इस शैली, यहाँ शैली इनकी प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता देखने को मिलती है। तीसरा है आपकी प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहा है। अब अगला है आलोचनात्मक शैली। तो बेनीपुरी की समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है भैया, अगला है आपका साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी का जो नाम है वो साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे आपका है यशपाल जी का। तो जैसा कि एमपी बोर्ड में ये आपका जीवन परिचय यहाँ से नहीं पूछता, रचनाओं से पूछता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रचनाएं देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन, भाषा शैली। तो भाषा, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। कौन सी भाषा में की उन्होंने? व्यवहारिक। इन्होंने तद्भव, तत्सम शब्द का देशज, विषेदे,
विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है और मुहावरे और उन लोकोक्तियों से आपकी भाषा में चमत्कार आ गया है। शैली, शैली में क्या इनकी शैली, इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। वर्णात्मक शैली, यशपाल ने घटना स्थिति वातावरण आदि पर वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग तथा हास्य का व्यंग विधान किया है। चलिए अगला देखते हैं, तो साहित्य में स्थान है इनका, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरणीय किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसमें आपका मुहावरा दिया गया, अंधों में काना राजा तो मूर्खों में मध्य अल्पज्ञ। पांचवी पास राजेश के गांव में सभी अनपढ़ है, इसलिए अपने गांव में वहां अंधों का काना राजा के समान। यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, इसका थोड़ा लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में ही अधिक मदद करती है, क्यों? तो प्रत्यक्ष अनुभव की घटित होने होते रहते देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, प्रयोगों की नवीनता, लघु मानववाद, प्रतिष्ठा। नई कविता के दो प्रमुख कवि है नरेश मेहता व नारायण सिंह, हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय, इसमें ये अपने आप मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं पूछी जाती है, यहाँ से पूछी जाएगी रचनाओं से, है ना। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, ये सब क्या है, तुलसीदास जी की रचना। यदि हम बात करें तो इनकी काव्यगत विशेषता होगी, तो यहाँ से देख सकते हैं भाव पक्ष, है ना, भक्ति भावना। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति में असीम दैन्य अनन्य आत्मा का समर्पण है, ये हो गया उनका भाव पक्ष में पहले भक्ति भावना। दूसरा जाएगा समन्वयवादी विचार, उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, राम भक्त होते हुए भी ये सभी देवी देवताओं को वंदना की। अच्छा बात यहाँ पर आती है कि 2 नंबर का आएगा सर, तो इतना बड़ा लिखेंगे क्या, नहीं, फिर अपन क्या करते थे, हेडिंग भी लिख सकते हो बस, लोक मंगल का भाव, रसों की प्रधानता। तो तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि एक तरह के, इन्होंने कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का अद्भुत चित्रण किया है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो रसों की प्रधानता हो गई, अद्भुत रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा इसका भाषा, तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहां तहां अरबी फारसी को भी ये भोजपुरी बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी इनमें मिल जाते हैं। चलिए तब इसके आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से देखिए छंद में तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा और सवैया, कविता आदि छंदों का प्रयोग किया है, है ना। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी शैली हो जाएगी और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके बाद में जो अगला है ना, वो आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना, यहाँ से ये तो आपने एमपी बोर्ड में आता नहीं है, यहाँ से रचना है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुता है, तुलसीदास है, अनिमा है, बेला, आराधना, अपरा, गीत कुंज, नए पत्ते, जो जमे 3-4 याद रख लेना बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये काव्यगत विशेषता हो,
अच्छा एक तो तरीका ये है और शॉर्टकट तरीका ये भी आप लिख सकते हैं कि इनके काव्य में, यहीं से आगे लिख देना है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं, या तो फिर इस तरीके से आप लिख देना है, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राष्ट्रीयता जाएगा। कला पक्षों की बात करें तो भाषा जो है भावों के अनुरूप इनकी बदलती जाती है, देश प्रेम तथा भक्ति परक की कविताओं में इनकी भाषा सरल है। शैली की बात करें तो निराला जी की दो शैलियां स्पष्ट है, उत्कृष्ट छायावादी, ठीक है, गीतों में प्रयुक्त लंबी तत्सम एवं दुरुह शैली तथा सरल प्रभाव रूप में प्रचलित उर्दू के लिए शब्द व्यंग की चुटकुली शैली, जो भी आप में है ना, छंद, निराला जी के ने छंद के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, आपने तुकांत एवं अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों में छंद लिखे हैं, मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया है। ठीक है, मुक्तक छंद को आपने ही जन्म दिया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक कवियों में मुद्र महाप्राण निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है, वे मुक्तक के जनक थे। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। चलिए यदि हम आगे की बात करें ना, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है ना वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन से व्यंग निहित हैं। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से को नहीं पा सके, इस कारण गोपियां जो कहते हैं उन्हें भाग्यहीन मानती है। ठीक है, यही व्यंग भाग्यवान कहने में व्यक्त है। विपरीत लक्षण से भाग्यवान का अर्थ होता है भाग्यहीन। संगतकार किन किन रूपों में गायक गायिका की मदद करता है, अकेलापन के असहास को बचाते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि केवल यही आपके लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आपकी बार 90 पार, जिन बच्चों ने वास्तव में 90 पार का सपना बनाया रखा है कि हाँ हमें 90 पार ही जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, महाकाव्य में क्या होता है, पात्रों की संख्या अधिक होती है, इधर पात्रों की संख्या कम होती है। जब इसमें पात्रों की संख्या अधिक है तो बड़ा आकार रहेगा, छोटा आकार रहेगा, इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है ना। थोड़े से और बिंदु आप लिखना चाहे तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से लिख लेना आपको, कि ये देख लीजिए, महान महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है, खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण रामचरित मानस और जानकी मंगल, यहीं से आपको पूरा कर लेना है, ये लो इसके फोटो। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव जो होते हैं ना वो क्या है, वास्तव में जो हमारे रस होते हैं, रस बोलते हैं ना अपन, श्रृंगार रस, ठीक है, हास्य रस, करुण रस, ठीक है, करुण रस के बाद में आपका भयानक रस हो गया है, ये जो रस है इन सभी के स्थायी भाव है। तो 10 रस है और 10 ही के स्थायी भाव यहाँ पर, और संचारी भाव जो है वो 33 माने गए हैं। ठीक है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान है, यहाँ कुछ समय रेखा समाप्त हो जाते हैं, संचारी भाव के कोई अंग नहीं है और इनके स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव संचारी भावों को जगाते हैं लेकिन ये नहीं जगाते। ये आप बढ़िया से सिंपल सिंपल, ज्यादा कोई डिटेल पढ़ाने की जरूरत इनको नहीं है, ये आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें आगे की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है आपका दोहा छंद की परिभाषा। और दोहा में क्या होता है, चार चरण होते हैं जिसमें से पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं रहेगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं रहेगी, यानी ये आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, उदाहरण है, रईमन पानी राखी है, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे, मोती मानस सुन, जो भी आप जो दोहा रहे ना कोई सही दोहा लिख सकते हैं। ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख लीजिएगा, करना कंप्लीट ना। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहाँ से रहेगा। ठीक है भैया, अगला देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो दो यहाँ पर, ये तीसरा अंतर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो इसे चार अंतर करिएगा आप। ठीक है,
संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर है, है ना। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप, ये संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर है आपका। ये यहाँ पर बच्चों ने दो ही अंतर लिखे, आप चार अंतर कम से कम करिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा ना। आप क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो देखिए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी रहेगी, है ना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे यहाँ से। आप पहले तो एक बार है ना स्क्रीन शॉट ले लो बढ़िया से पेपर का, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, और ये 20 रहेगा। देखो ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 21 या 20 का हुआ, ये आपका 21 है और 22, और अंत में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 रहेगा, है ना। ये आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का आपको स्क्रीन शॉट दे देता हूँ, ये बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। यहाँ से आपको ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई, ठीक है। पहले स्क्रीन शॉट इतना दो हिस्से में ले और बचा हुआ ये लो। अब ये इसका थोड़ा वाला है, ये इसकी व्याख्या है, ये राष्ट्रीय एकता पर आपको अनुच्छेद लिखना था, यहां से देख सकते हैं। और आतंकवाद पर दो दोस्तों के बीच में यहाँ पर आपको संवाद लिखना है, ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। हो गया इतना,